सॉरी फॉर इंटरप्शन, जेडे कोई मेथो छोटे बैठे ने, कोई जाने के 30-32 सालों तो छोटे छोटे, उन्होंने शायद मेयर मित्र बारे ना पता हो, जेडे उदो सारे बड़े उन्होंने मेयर मित्र बारे पता ही है। कोई भी पंजाबी फिल्म यहोजी नहीं हुई जिड़ी के मेयर मित्र तो बिना सिरे चढ़ जाए, तो यह आदि गलों के मैक्सीम मेयर मित्र की ही जी एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। लो जी गल कर लगे जी आप भारत की जी, कहते भारत अपना कोई भी खोज करे रह नहीं सकता जी, सारे नाल अगे जा रहा जी। अमेरिका ने खोज कर ली जी, जापान ने कर ली, तो भारत ने कर ली अपने। अमेरिका ने मशीन बनाई जी, कहते साड़ी मशीन हैगी जी, कहते इधर की मुर्गी पाओ तो उन्होंने घुमाओ तो इधर की पीस बन के बाहर उन्होंने खा सकते हो। तो जापान ने कहने जी असी भी नहीं घाटा, कहते साड़ी हैगी जी, कहते इधर की मुर्गी पाओ मसाले पाओ तो मशीन फेरो तो पीस बन के बाहर तो तुम इन खा सकते हो। भारत के पंजाबी उठ के कहते जी मशीन असी भी बनाई है जी, कहता कहता साड़ी मशीन हैगी जी, कहता इधर की मुर्गी पाओ जिहड़ा कोई मर्जी पालो जी, कहते मसाले मसूले कोई चक्कर नहीं, कहते जी फेरो कहते पीस बन के बाहर खानी है खा सकते, पुट्ठी पाओ पुट्ठी घुमाओ मुर्गी बाहर। लो जी साढ़े पिंड पाले की गल सुना लगे जी, मैं साढ़े पिंड का पाला एक मेरे ना बठिंडे चला गया जी, मैनू जाता जाता कहता भाई मैनू बाथरूम आता जी, मैं यार पासे पासे देखा यार बाथरूम, चल मैं मैं होटल च लै जाता गा, मैं उन्होंने होटल के लै गया, मैं क्या जाया जाके जो उत्थे बाथरूम का जाया जाके उतो फरनैल ने गोल गच्चा के खाया आ, आके मैनू कहता यार इतों के शकर बारे कौड़े आ गए। एक बार क्यों है जी, मैं तोता लिया जी बोलने वाला पंछी देना, वो तो मैं रखे जी तोता मेरी बढ़िया शिफ्टा कराया करे, मैं उन्होंने रखे जी, तो मैं आखा जी यार यार दोस्त सद गए यार तोता मेरा शिफ्टा करता, क्यों ना तारीफ जी हुई अपनी बढ़िया चढ़ाई होजू यार दोस्त, जो मैं तोता जो लिया जी उन्होंने मैं यार दोस्तों सद लिया, मैं खा जू तोते मैं क्या मैं देखो मेरी शिफ्टा करता तुम तो नहीं करते यार, बस तुम्हें बेइज्जती करी जाने ना बंदे की, मैं क्या देखो मैं मिठू तो तैं चूरी खानी आ, मैनू कहता ना कद आपने खाधी आ, फिर मैं आख्या मैं मिठू तो तैं जलेबी खानी आ, कहता गल सुनो ए पहला मिर्चा खवा के बाबा सीर करती हूँ शुकर करना। साढ़े नाल ना पिंड दुनियाला पिंड जी, पिंड गहरी बुट्टो के नाल ही, उत्थे किसी ने कमाद बीज लिया जी, कमाद बीज लिया जी, उन्होंने कोई बंदा ना था राखी रखने खातर, कोई बंदा गन्ने पट्ट के लै जाता जी उतो, हूँ उन्होंने कोई राखी खातर बंदा नहीं था, उन्होंने बंदा रख लिया जी, पर बंद दिसदा नहीं सी जी, वो बंद दिसदा नहीं सी, उसे कोई गन्ना पट्टन आया करे हूँ, वो बंद पता लगे कि बंदा लै गया कि बुढ़ी लगी पट्ट के, हूँ वो बैठा कहना एक गन्ना कोई पट्टन आया, कहना केड़ी आ केड़ा आ जाता गन्ना पट्ट के लै जाता मारा ना कुत्त पग लै के हो जाऊ। साढ़े पिंड की गल दसी सू पाले की गल दसी, पाला जी आपकी घरवाली को लैके जहाज के चढ़ गया, पहली जहाज से चढ़ा सी चढ़ सारी नींद आ गई उन्होंने सौ गया जी, उठ के दो तीन घंटा बाद उठा, उठ के शीशे बिच दी देख के कहता बल्ले 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 बड़ा घाटा, कहता हेठा तो मशीनरी बहुत आ, कहता बड़ा बड़ा बल्ले बल्ले, कहता ट्रक से गड्डिया तुरदना, कहता है घरवाली कहती कितने मैं भी देखा, देख के कहती मर जाना जहाज तो स्टार्ट ही नहीं हो जाता कीड़ा का भावना, कहता जहाज स्टार्ट नहीं हो दो तीन घंटे लेट हो गया जाके जाना, हूँ उधर पायलट ने जहाज स्टार्ट कर रही जहाज पूरा देर तक का हम पूरा भजा के उन्होंने जहाज अड़ा जी, जो जहाज उन्होंने अड़ा लगे जाके पायलट को जा कहता ड्राइवरा भाई गल तेरी माड़ी है, कहता जहाज तो ढाई घंटे पहले लेट तू छड़को छड़की पा लिया। लो जी मैं एक दिन बठिंडे जान लगे जी, मैं थोनू पता ही मेरी उम्र किन्नी गई, मैं जो बठिंडे जान लगे जी तो बस के मैं खड़ा तो भीड़ बहुत सी बस के, मैनू एक कुड़ी कहती पिछों मेरे नालों वड्डी कुड़ी मैनू कहती अंकल जी अगे नूं होया मगर जगह नहीं गई, मैं क्या मैंने पहला तो गुस्सा आया, फिर मैं पिछे मुड़ के मैं देखा मैं क्या आंटी जगह इधर भी है नहीं गई, मैं क्या मैं बठिंडे ही उतर गया उत्थे वेख्या कई बंद सुभाव नहीं कोई कन्न च खुरक खत होंगी उन्हें कन्न च चाबी मार लग गए थे, मैं वेख्या बंदा कन्न च चाबी मारी आवे, मैं एक मिनट देखा दो मिनट देखा मैं उन्होंने कोल जा उड़ा, मैं कहा भाई साहब जे स्टार्ट नहीं होंगे तो धक्का ला दें, मेरे कन्नी घूर के झाकिया मैं भी देख के डर के गया, मैं कहा भाई खासी ठंड पैंदी है, मैं कहा की ठंडा होया पाया हूं, ए तो बाद क्यों मैं उतों फल फ्रूट वगैरह खरीदे जी, एक रेहड़ी भी जा उड़िया रेहड़ी से जाके, मैं क्या भाई आ की आ, कहना भाई अखरोट है ये कहते खत्म दे बई, कहना भाई इन्हें दिमाग तेज होंगे, मैं दिमाग तेज होंगे, कहना हाँ बई मैनू
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ 1 ਦਰਜਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ 12। ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਤਮਖਾ, ਚੱਕ ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਲਾ ਫਿਰ ਭਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਯਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦਾ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਆਪਦੇ ਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆ, ਨਾਲ ਵਾਲਿਆ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਟਿਕਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਬ। ਪਾਲਾ ਬੋਰੀ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤਰੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਹਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਆਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਾਲਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜ ਪਏ। ਹੁਣ ਐਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉਤਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ 250 ਰੁਪਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੋਨੇ ਸਿਮ ਲਏ। ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਆਉੜਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਪਲ ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ, ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ ਹੋ ਯਾਰਾ, ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਫੀਮ ਜਦੋਂ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਾਂਸੇ ਨਾਲ ਧੜਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਡੱਬੀ ਵੱਲ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਟਲ, ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਦੂਜਾ ਕਲ ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ, ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਗਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਠਲ, ਨੀਗਾ ਮੈਥੋਂ ਚੱਲ ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ, ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ, ਫੀਮਾ ਬਿਨਾ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜੀ ਇਹ।
ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।